हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सिल्क स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाएं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे पहले। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिखर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और हेडर और फुटर और पेज नंबर कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमने अपने एमएस वर्ड के पेज में बुलेट्स लगाए हैं और हम लिखते हैं एक केमिकल फॉर्मूला H2SO4। दूसरा हम इसमें लिख देते हैं NaCl2 और उसके बाद 2 लिखने के बाद हम इसमें इंटर करते हैं। तीसरा नंबर पे हम लेते हैं H2O। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये हमने जो केमिकल फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या ये सही है? क्या H2O पर होना चाहिए? तो हम इसको हम चाहते हैं कि नीचे दिखा जाए, 2 को हम नीचे दिखाना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम कंट्रोल के साथ प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 हमारा नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। हमने कंट्रोल के साथ प्लस इंटर किया और हमारा 2-4 नीचे आ गया। इसमें भी हम सेलेक्ट करते हैं इसको और नीचे हो गया। 2 को भी हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे, देन हमारा ये 2 नीचे की साइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अक्सर हमें यूज बहुत से जगहों पे आते हैं। आप मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर टाइप करते हैं तो आप उस जगह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में आप इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बुलेट्स लगाते हैं और इसमें हम मैथ्स के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो कि आप अक्सर अपने पढ़ाई के दौरान आपने सीखा होगा, a² + b² + c². तो अपने अक्सर उसका यूज़ भी किया होगा। तो हम a² + b² + c² करके a ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट क्लोज करके हम 2 लिख देते हैं, देन ब्रैकेट में हम फिर c + b ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2 लिख देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो a2 है वो हमारा a² हो जाए, b2 है जो b², जो c2 है वो c² हो जाए, a + b² है उसको हम स्क्वायर के रूप में इसको करना चाहते हैं, cb को हम प्लस जो 2 है उसको हम स्क्वायर के रूप में करना चाहते हैं। तो हम सीधा सिंपल सा उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं आपका ये स्क्वायर के रूप में हो गया। कंट्रोल इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, सेम प्रोसीजर हम इस पर भी फॉलो करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इस पर भी हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को प्रेस करते हैं। हम इस पर भी अप्लाई करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। तो आप देख सकते हैं कि आप ये मैथमेटिकल आपको फार्मूला सही ढंग से हो गया। इसका भी यूज़ आप क्वेश्चन पेपर जब बनाने लगते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, इसका उपयोग होता है। तो हम नेक्स्ट इसमें हम सीखेंगे हेडर फुटर के बारे में। तो हम इंसर्ट टैब में जाके उसके बाद हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर के बाद ये ढेर सारे हमारे हेडर्स के लिए स्टाइल्स आ गए हैं जिनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से एक इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम उस पर पिक द डेट क्लिक करके हम एक डेट ले लेते हैं, उस डेट का 21 का। उसके बाद टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद हम टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल में आप कुछ भी हेडिंग दे लें, जैसे जिस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बनाना है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने वाटर लिख दिया कि वाटर के बारे में
डिस्क्रिप्शन देने के लिए, बताने के लिए हमने वाटर टाइप कर दिया है। आप अपने उसका अनुसार कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। हम एक टॉप बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि टॉप बॉर्डर हमारा आ गया है। तो ये थोड़ा जो हेडर रहेगा ये थोड़ा लाइटली होगा, हल्का होगा। दूसरा हम इसमें फुटर यूज़ करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं नीचे इस पर, और देख सकते हैं कि नीचे साइड में फुटर आ गया है। ये पेज नंबरिंग के साथ आया कि, और पेज भी शो कर रहा है कि कौन सा पेज है। हम बॉटम में भी जाके एक बॉटम बॉर्डर ले लेते हैं, हम वैसे पैराग्राफ में जाके वहाँ से एक बॉटम बॉर्डर ले लेते हैं। देखिए आप, ये आपका बॉटम बॉर्डर भी आ गया। उसके बाद हमने इंटर किया, आप देख सकते हैं दूसरे भी पेज पे हमें बार बार वही चीज़ लिखना नहीं पड़ा, सीधा जो हमारे हेडर में था फर्स्ट वाले पेज में वही सेम आप देख सकते हैं इधर भी आ गया। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से कि सेम चीज़ें वही आ गया और फुटर में भी वही आ गया। अब बस चेंज ये होगा कि पेज हमारा चेंज होते रहेंगे। पेज टू हो गया, पहला जो था हमारा पेज वन था, दूसरा हमारा पेज टू आ गया, देन जैसे हम फिर इंटर करते हैं तो सेम चीज़ें फिर आ जाएंगी। तीसरे पेज में आप देख सकते हैं ऊपर के सब चीज़ें वही हैं और नीचे के साइड में आपका पेज थ्री लिखा हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं पेज थ्री है आपका। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।